वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में और उन जिलों का निर्माण किस मुख्यमंत्री के समय हुआ, किस डेट को हुआ, किस जिले से अलग होके हुआ, ये सारी चर्चाएं जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना था कि मैम आप पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए बना रहे हो, आप हमारे एग्जाम के लिए बना दीजिए। तो बेसिकली ये राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान के सभी एग्जाम्स में राजस्थान ज्योग्राफी आती है और हर एग्जाम में जिसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी है वहां पे यही ज्योग्राफी है मेरे फ्रेंड्स। तो ये वाले जो वीडियोस हैं ये पर्टिकुलरली किसी एग्जाम के लिए नहीं है, आप हर एग्जाम के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन क्लासेस को देख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली किसी एग्जाम के लिए भी बनाएंगे तो भी कंटेंट यही रहने वाला है। और राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग हर एग्जाम में कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी आती है, राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं आते। तो इसलिए जो है ये वीडियोस जो है ये क्लासेस जो है सभी एग्जाम्स के लिए है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको देख सकते हैं। तो हम इस जो है चैप्टर को शुरू कर लेते हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान के संभागों के बारे में पढ़ लिया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप संभागों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जब हमने संभागों की चर्चा की थी, इसके अलावा हमने पिछले एक लेक्चर में ये भी कवर कर लिया था कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो कैसे हुआ था, किन किन चरणों में हुआ था। अगर वो लेक्चर भी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो राजस्थान के एकीकरण की और संभागों की जब हमने चर्चा की थी तो हमने जाना था कि राजस्थान का जो एकीकरण समाप्त हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, या हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट हुआ था। और वर्तमान में हम जो राजस्थान देखते हैं वो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को इस रूप में आया था। तो 1 नवंबर 1956 को मैंने आपको बताया था इसके अंदर तीन जगह जुड़ी थी। एक तो जुड़ा था अजमेर मेरवाड़ा जो कि उससे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, या हम बोल सकते हैं कि सी श्रेणी का राज्य था, या हम बोल सकते हैं चीफ कमिश्नर का क्षेत्र में था। तो अजमेर मेरवाड़ा जो है उसको जोड़ा गया था आखिरी चरण में, सातवें चरण में जो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र और साथ में सुनेल टप्पा जो कि मध्य प्रदेश से आके राजस्थान में जुड़ा था, तो ये तीनों क्षेत्रों को सातवें चरण में जोड़ा गया था 1 नवंबर 1956 को। तो जब अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का भाग बनाया गया तो इसे एक जिले का दर्जा दिया गया और साथ में इसके साथ जो है चार तहसीलें, ये है अजमेर। तो अजमेर जो है तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र साथ में चार तहसीलें जयपुर की देकर अजमेर को एक जिला बना दिया गया जो कि त्रिभुजाकार आकृति का है। जिलों की आकृति भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आराम से। तो अगर आपने जो है आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है चैनल पर, उससे ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अजमेर की हम बात करें तो अजमेर बना था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश से और जयपुर से मिलकर, जयपुर की चार तहसीलों से मिलकर, और ये बना था 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का ये बना था 26वां जिला था कौन सा, अजमेर। और अजमेर बेसिकली अजमेर मेरवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा जो कि बेसिकली एक केंद्र शासित प्रदेश था और इसके साथ इसमें जोड़ी गई चार तहसीलें जयपुर की, ठीक है, और इनसे मिलकर अजमेर जो है वो बना था। अजमेर की हम बात करें तो जब अजमेर का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को तो हमें पता ही है उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी जो कि बेसिकली सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो है मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, 17 वर्षों तक इनका मुख्यमंत्री काल था। हो सकता है भविष्य में जो है किसी और को भी ये टैग मिल जाए, इनसे ज्यादा में निकल जाए, बट अभी तक 17 वर्षों का रिकॉर्ड है मोहनलाल सुखाड़िया जी। 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जो कि सर्वाधिक बार है अभी तक राजस्थान के इतिहास में। और मोहनलाल सुखाड़िया जी के काल में ये अजमेर बना था, कब, 1 नवंबर 1956 को।
तो ये इम्पोर्टेंट है। अजमेर की हम बात करें तो आरजे 01 है, सबसे पहला नंबर इसी को मिला हुआ है, आरजे 01। आरजे किस नंबर किस किस के कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में ट्रिक के साथ मैं आपको सारे आरजे नंबर याद करा दूंगी, तो वो हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। बट क्योंकि ये नंबर एक है इसलिए जो है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, आरजे 01 है अजमेर का। 26वां जिला था ये राजस्थान का, अजमेर, मेरवाड़ा और जयपुर की चार तहसीलों से मिलकर बना था, और उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। इससे अगले हम बात करें 27वें जिले की, तो 27वां जिला बना था धौलपुर, ठीक है, जो कि कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को बना था। तो धौलपुर का निर्माण हुआ 27वां जिला धौलपुर, और डेट क्या थी, 15 अप्रैल 1982, ठीक है, 15 अप्रैल 1982 को बना था, यानी 1956 के बाद लगभग जो है 26 वर्षों के बाद जो है ये नया जिला बनाया गया था। और धौलपुर जो है भरतपुर से अलग होकर बना था, किससे बना था, भरतपुर से अलग होकर बना था। भरतपुर जिले से अलग करके धौलपुर को बनाया गया था। इस समय अगर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर जी, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिवचरण माथुर जी उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। अगर आपको सारे मुख्यमंत्री याद है कि किस वर्ष में कौन से मुख्यमंत्री था, तो आपको इतना डिटेल में यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, बट जिनको नहीं याद है तो कम से कम कुछ खास खास इवेंट्स पे, कुछ खास खास मौकों पे जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में तो हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो शिवचरण माथुर जी थे। इसके बाद 10 अप्रैल 1991 को तीन नए जिले बनाए गए। कौन कौन से थे वो तीन नए जिले, एक तो था बारा, दूसरा था दौसा और तीसरा था राजसमंद। अगर इनको याद करने में आपको दिक्कत आए तो इसके लिए एक ट्रिक बना देते हैं, 2 12, ठीक है, दौसा, बारा, राजसमंद, 2 12, यानी तीन नए जिले बनाए गए, दौसा, बारा और राजसमंद। और क्योंकि इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में याद करना होता है, तो इनमें से 28वां जिला बना बारा, 29वां जिला बना था दौसा और 30वां नया जिला बना था राजसमंद, ठीक है, दौसा, बारा और राजसमंद ऑर्डर में याद करें तो 28वां जिला हो गया 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। और इन तीनों जिलों की बात करें तो ये तीनों के तीनों एक साथ 10 अप्रैल 1991 को बनाए गए, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार के समय ये बनाए गए। और आपको पता ही है राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी ये मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात, राजस्थान के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति बने भारत के, है ना। और इसके बाद बात करें तो इन्होंने 3 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार ली है, और 3 बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने वाले मोहनलाल सुखाड़िया जी को भी इसमें काउंट कर ले तो 3 हो जाते हैं, एक तो भैरव सिंह शेखावत जी और एक हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी हालांकि इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली लेकिन एक भी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत जी ने अपने कार्यकाल पूरा किया था। हरिदेव जोशी जी थोड़े अनलकी रहे, एक भी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए 3 बार शपथ लेके। भैरव सिंह शेखावत जी ने भी 3 बार शपथ ली है और उपराष्ट्रपति भी बने आगे जाकर। तो भैरव सिंह जी शेखावत जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा नए जिले बने हैं, अभी अपन देखेंगे, 3 तो ये हो गए, आगे भी जो कई नए जिले हैं वो भैरव सिंह शेखावत जी के काल में बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक नए जिले बने हैं, तो भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में बने हैं। 3 तो 10 अप्रैल 1991 को ही बन गए थे। अगर हम बात करें दौसा की, तो दौसा अलग होकर बना था जयपुर से। फिर हम बात करें बारा की, तो बारा अलग होकर बना था कोटा से। और राजसमंद की बात करें तो राजसमंद उदयपुर से अलग होकर बना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 नए जिले जो है इस समय बनाए गए थे, और तीनों जिले एक साथ 10 अप्रैल 1991 को बना दिए गए थे। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, राजसमंद और मतलब 30वां नया जिला हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 31वें नए जिले की, और 31वां नया जिला था हनुमानगढ़,
ये था राजस्थान का 31वां नया जिला जो कि बना था 12 जुलाई 1994 को। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को 31वां नया जिला जिसका कि नाम था हनुमानगढ़। और ऑब्वियसली ये किससे अलग होकर बना था? श्री गंगानगर से अलग होकर बना था। इस समय भी अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जी इस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो पूछा जा सकता है 31वां नया जिला कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। किससे अलग होके बना? श्रीगंगानगर से। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे। आगे हम बात करें 32वां नया जिला, तो 32वां नया जिला था करौली। करौली 32वां नया जिला था राजस्थान का और ये बना था 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को 19-7-19-9-7। ठीक है, डेट याद रखेंगे। तो 32वां जिला करौली बना था 19 जुलाई 1997 को और ये किससे अलग होके बना था? सवाई माधोपुर से अलग होके बना था। ठीक है, सवाई माधोपुर से। ठीक है, सवाई माधोपुर से अलग किया गया था। और इस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कौन? भैरव सिंह शेखावत जी। तो राजस्थान में अगर हम देखें एकीकरण से लेकर अब तक कितने नए जिले बने? 8 नए जिले बने, उनमें से 5 नए जिले भैरव सिंह शेखावत जी के काल में बने हैं। सबसे पहला अजमेर बना था मोहनलाल सुखाड़िया जी के काल में। दूसरा बना था जो धौलपुर था वो बना था शिवचरण माथुर जी के काल में। और बाकी जो 5 बने हैं, 2 बारा 1 तो दौसा, 12 राजसमंद, इसके अलावा हमने बात की इससे पहले हनुमानगढ़ की और करौली की। तो ये 5 नए जिले भैरव सिंह शेखावत जी के काल में बने थे। 3 बने थे 1982 में, 1 बना था 1991 में और 1 बना है 1997 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, मतलब सॉरी 3 बने थे 1991 में, 1 बना था 1994 में और ये बना है 1997 में। 3 91 में, 1 94 में, 1 97 में। डेट याद कर लो, ये है 10 अप्रैल, खास डेट है क्योंकि 3 नए जिले बने थे एक साथ 10 अप्रैल 1991 को। फिर हम बात करें 1994 में बना था हनुमानगढ़ जो कि बना था 12 जुलाई को और ये बना था 19 जुलाई को 1997 में। ठीक है, 12 जुलाई और 19 जुलाई 1994 और 1997 को कौन सा बना है? करौली जिला सवाई माधोपुर से अलग होके भैरव सिंह शेखावत जी के ही काल में। और आखिरी नवीनतम जिला 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी डेट तो आपको इजीली याद हो सकती है, सन जरूर याद रखेंगे क्योंकि लेटेस्ट पूछा जाता है, 2008 को बना था 26 जनवरी 2008 को नवीनतम जिला बना था। कौन सा जिला है वो? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिला। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला जो है वो 3 जिलों से बना है। प्रतापगढ़ में 3 जिलों से क्षेत्र लिए गए, चित्तौड़गढ़। ठीक है, सबसे पहला तो आ गया चित्तौड़गढ़, दूसरा जिला आ गया उदयपुर और तीसरा आ गया बांसवाड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें बांसवाड़ा से जो तहसील ली गई इसके अंदर, उसका नाम है पीपलखूंट। पीपलखूंट तहसील कहां से ली गई? बांसवाड़ा से ली गई थी। उदयपुर से जो तहसील ली गई उसका नाम था धरियाबाद। धरियाबाद और पीपलखूंट, उदयपुर और बांसवाड़ा से एक एक तहसील ली गई इसके अंदर, धरियाबाद और पीपलखूंट। और चित्तौड़गढ़ से बात करें तो चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली गई, छोटी सादड़ी, आरनोद और खुद प्रतापगढ़। ठीक है, तो 3 तहसीलें कहां से ली गई? चित्तौड़गढ़ से, छोटी सादड़ी, आरनोद और प्रतापगढ़। उदयपुर से ली गई धारियाबाद और बांसवाड़ा से ली गई पीपलखूंट। तो ये 5 तहसीलों से मिलकर बनाया गया प्रतापगढ़ जिले को। और प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। राजस्थान का नवीनतम जिला है, 33वां जिला है। इसमें अगर हम बात करें इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जो राजस्थान की दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, साथ ही राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान की दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी। 26 जनवरी 2008 को इनके समय में नया जिला बना प्रतापगढ़ जिला, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है, 5 तहसीलों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इन वीडियोस को जरूर से लाइक एंड शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके। अगर ये ग्रुप बड़ा बनता है और हमें लगता है कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है तो हम और सब्जेक्ट के लिए भी ऐसी क्लासेस लेकर आ सकते हैं, पर ये सब आपके सपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम उतना ज्यादा आपको डिलीवर कर सकें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट आ जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जो कि हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अपने सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ एक आपके सजेशन आ रहे हैं वो उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी टेक्निकल प्रॉब्लम और समय अभाव के कारण उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है, पर लेकिन जल्दी ही उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे और क्वालिटी में आप देखिएगा और भी अच्छा हम बेटरमेंट लेकर आएंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के रखें जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।